गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, CaféIAS के 5 अगस्त के द हिंदू एडिटोरियल प्लस डिस्कशन में आपका स्वागत है। और आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज के आर्टिकल्स हमारे चार हैं, हम दो आर्टिकल्स छोड़ रहे हैं यूएस अफगानिस्तान से रिलेटेड, जो यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है। इन चार टॉपिक्स के अलावा इन चार टॉपिक्स में लाइवमेंट का आर्टिकल भी इंक्लूडेड है। और इन चार टॉपिक्स के अलावा हम एक स्टैटिक भी डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और दूसरी है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान्स एफर्ट टू क्रिमिनलाइज मॉब लिंचिंग, इसको GS2 के इन टॉपिक से आप रिलेट कर पाएंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था परसों के दिन के राजस्थान में एंटी लिंच मॉब लिंचिंग बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि एंटी मॉब लिंचिंग बिल इन राजस्थान, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। डेफिनेशन आप ले सकते हैं इस बिल से, जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग में या कहीं भी आप लिखते हैं तो वहां यूज कर सकते हैं। इस बिल की में जो डेफिनेशन दी गई है लिंचिंग की, रिलीजन, रेस, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, डाइटरी प्रैक्टिस यानी खान पीन की प्रैक्टिसेस के आधार पर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, एथनिसिटी है, इन सारे रीजंस की वजह से अगर कोई भी एक मॉब, भीड़ का मतलब दो या दो से अधिक पर्सन, इन रीजंस की वजह से अगर कोई भीड़ प्लान तरीके से या अचानक से किसी पर अटैक करती है, हिंसा करती है या उसका मर्डर करती है और उसको चोट पहुंचाती है या फिर इन तरह के एक्ट्स में उसको हेल्प करती है, उकसाती है, तो इसके प्रोविजंस क्या हैं? इस बिल में ये भी प्रोविजन किया गया है कि पुलिस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, दे हैव टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट लिंचिंग, उन्हें लिंचिंग रोकना है। और अगर इस ऐसे केसेस जहां पे जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें फाइन का प्रोविजन है, और साथ में एक प्रोविजन और है पनिशमेंट से रिलेटेड, वो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसको आजीवन कारावास दी जाएगी। इसमें इश्यूज क्या है, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी यानी कि अगर आपने ड्यूटी में कोताही बरती है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, उसको कोई क्राइम नहीं समझा गया है। दूसरा, इट डिप्राइव्स द जुडिशरी ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन, यानी कि जो जुडिशरी का अधिकार है कि क्राइम को, सिचुएशन को, विक्टिम और सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है, उसको देखते हुए वो सजा डिसाइड करता है, उस अधिकार को ले लिया गया है। कैसे ले लिया गया है, हमने बताया था आपको कि इस बिल में ये प्रोविजन है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट फिक्स कर दिया हमने, बिना सिचुएशंस को देखे, बिना उसके इम्पैक्ट को देखे हमने ये फिक्स कर दिया कि ये ही आपको सजा दी जाएगी, तो हमने एक तरह से जुडिशरी का डिस्क्रिएशन का अधिकार ले लिया। इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वायलेट होता है, वो किस तरह से उसका उल्लंघन होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है क्या। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बात करता है कि क्राइम की जो ग्रेविटी है, क्राइम की जो जघन्यता है, उसको देखते हुए या विक्टिम्स के इंटरेस्ट या सोसाइटी के इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, जिस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है कोई भी एक्ट, उसको देखते हुए जुडिशरी ये डिसाइड करती है कि उसको सजा क्या दी जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी की है तो उसका ये नहीं कि उसको हाथ काट दो या फिर उसको मौत की सजा सुना दो, वो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो ये जुडिशरी का अधिकार है, ये फॉलो की जाती है प्रैक्टिस कि जिस तरह का क्राइम है सिचुएशन को देख के उस तरह की सजा दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रिंसिपल को कई बार फॉलो करता है, जैसे कोई कई बार पार्लियामेंट में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इस तरह का बिल पास करवा देते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव हार्श पनिशमेंट होता है या डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होता है, यानी कि काम जितना भी क्रिमिनल एक्ट किया है उससे बहुत ज्यादा सजा मिल रही है, तो इस तरह के लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है, ठुकराया है, कैंसिल किया है इसी प्रिंसिपल के आधार पर। तो इस बिल में इस प्रोपोर्शनैलिटी और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का उल्लंघन किया है। कॉन्क्लूजन में ये कहते हैं राइटर के लेजिस्लेचर का ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड करे कि क्या सजा होनी चाहिए बिना ये जाने कि उस टाइम पे सर्कमस्टेंसेस कैसे थे। दूसरी बात है, ये कही गई है कि बिल का जो इंटेंशन है बहुत अच्छा है, एक अच्छा प्रयास है इस दिशा में, लिंचिंग को रोकने के प्रयास में, पर जैसे कि हमने इश्यू डिस्कस किए थे, इट नीड सम इंप्रूवमेंट। इसके दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक भारतीय सिटीजन को कैद किया गया पाकिस्तान के द्वारा,
उनका नाम कुलभूषण जाधव है, ये बहुत सुर्खियों में था केस और इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है हम कवर करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसने हाल ही में डिसीजन दिया था कि काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए उनको। तो ये क्या है, ये यूएन की प्रिंसिपल बॉडीज में से एक बॉडी है और इसको 1946 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसने उस टाइम पे हुआ करता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 1946 तक, उसको रिप्लेस किया था। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन की प्रिंसिपल बॉडी बन गया 1946 से। ये हेग नीदरलैंड में पीस पैलेस में। इसके फंक्शन क्या है, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि जो भी इश्यू लीगल इश्यूज डिस्प्यूट सबमिट किए जाते हैं इस कोर्ट के लिए अलग अलग स्टेट पार्टीज द्वारा, अलग अलग कंट्रीज द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा, उसको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, उनको इंटरनेशनल लॉ के मद्देनजर रखते हुए इस तरह के डिस्प्यूट को सेटल करना। दूसरा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड है, ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड है, उनके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करना, उनको एडवाइस देना इन लीगल डिस्प्यूट से रिलेटेड। इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करें कि कहां कहां इसके डिसीजन अप्लाई हो सकते हैं, कहां कहां ये डिसीजन दे सकता है, किन किन सिचुएशन में। पहला है कि इंडिविजुअल रिलेटेड केस इस कोर्ट के सामने नहीं लाए जा सकते, तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि ओनली स्टेट्स कैन अप्लाई टू एंड अपीयर बिफोर दिस कोर्ट। दूसरा है कि किसी भी डिस्प्यूट में रिले ये आईसीजी दे सकता है डिसीजन, लेकिन दोनों स्टेट्स का, यानी कि जो भी पार्टीज हैं लीगल डिस्प्यूट में, प्रो एंड अगेंस्ट में, उन दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक पार्टी कंसेंट है, दूसरा रिफ्यूज कर रही है इसको सबमिट करने से लीगल डिस्प्यूट इस कोर्ट में, तो उस केसेस में आईसीजी डिसीजंस नहीं दे सकता। इंडिया आईसीजी का एक सदस्य है। इसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, उसके बाद देख लेते हैं कि 15 जजेस होते हैं आईसीजी में, जिनका हर एक का कार्यकाल 9 साल का होता है। और ये जज कैसे चुने जाते हैं कि दो बॉडीज हैं यूएन की, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इन दोनों बॉडीज में अगर किसी कैंडिडेट के पक्ष में एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स हैं तो उस कैंडिडेट को इलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा की तरह इसमें भी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, एक साथ आप सारे जजेस को रिटायर नहीं कर सकते, तो इसमें हर 3 साल में 1/3 ऑफ जो जजेस हैं उनको इलेक्ट किया जाता है रोटेशनल मैटर, जैसे राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। एंड द जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, एक बार जो जज बन गया वो दोबारा भी जज बन सकता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि 15 जजेस कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। एक क्राइटेरिया फिक्स है कि 3 जजेस होंगे वो अफ्रीका से होंगे, 2 लैटिन अमेरिका कैरिबियन से होंगे, 3 एशिया से, 5 वेस्टर्न यूरोप या फिर अमेरिका से, और 2 होंगे वो ईस्टर्न यूरोप से होंगे। अब क्लियरली देख सकते हैं थोड़ा बायसनेस है कि एशिया जो इतना बड़ा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां से सिर्फ 3 जजेस हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका को आप मिला दें तो वहां से 5 और 2 7 हैं। और अगर अब साउथ अमेरिका ले लेते हैं, यानी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ले लेते हैं, तो टोटल जजेस काउंट हो जाता है 9। तो क्लियरली बायस्ड है ये। क्वालिफिकेशन क्या है आईसीसी जजेस का, कि उनका मॉरल कैरेक्टर है वो हाई होना चाहिए और दे शुड बी फिट टू द क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट। यानी कि इंडिया की बात करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने लायक अगर किसी क्वालिफिकेशन को कोई इंसान पूरा कर रहा है, तभी वो आईसीजी के जज को बनने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और साथ में इंटरनेशनल लॉ में उसकी कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। आईसीजी के जजेस की इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन होते हैं ये भी हम देखते हैं कि जो भी स्टेट से अगर चुना जाता है, जैसे इंडिया से कोई चुना गया, एक जज को चुन लिया गया पैनल में, तो वो बाकी जैसे अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं यूएन में कि कोई चुन लिया गया तो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा आईसीजे में नहीं होता। वो अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है यूएन का, प्रिंसिपल ऑर्गन है, जहां पे सदस्य अपनी गवर्नमेंट को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरा है कि उनकी इंडिपेंडेंस गारंटी करने के लिए क्या करते हैं कि उन जजेस को डिसमिस नहीं किया जा सकता जब तक कि बाकी सारे जजेस हैं, बाकी सारे मेंबर्स हैं, उनका एक मत समर्थन ना हो कि ये जज
क्वालिफाई करने के योग्य नहीं है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता, उस केस में डिसमिस किया जा सकता है अगर वे सारे समर्थन कर रहे हैं एक मत से, नहीं तो बाकी कोई भी केस में एक जज को डिसमिस नहीं किया जा सकता। तो ये हमने बात की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आर्टिकल की तरफ, बिगर एंड बेटर। GS2 की आप इस आर्टिकल से टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि यूनियन कैबिनेट का रिसेंट डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है 31 से 34 करनी है, और रीजन क्या था कि बहुत सारे केसेस बढ़ चुके हैं, पेंडेंसी बढ़ चुकी है केसेस की। करंटली देखें तो 59,000 प्लस केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जजेस की कमी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि डिसाइड कर सके कि लॉ से या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है देने में डिले हो रहा है। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट है, उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। अपेक्स कोर्ट का प्राइमरी रोल वो होता है कि इट इज एन अल्टीमेट आर्बिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, यानी कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है या फिर कोई डायलेमा है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, ये चेक करने का काम अपेक्स कोर्ट है, उसको इंटरप्रेट करने का कॉन्स्टिट्यूशन को काम सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इन केसेस, बाकी सारे केसेस जो उसके सामने रूटीन केसेस लाए जाते हैं, वो जो सिविल केसेस भी हैं जिनमें सिर्फ दोनों पार्टी का लेना देना होता है, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात नहीं करते, ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट उलझ के ना रह जाए, प्राइमरी फंक्शन से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा इसमें कहा गया है कि 229th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसने भी ये चीज रिकमेंड की है कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को भी दूसरे के अलग अलग जगहों पर एस्टेब्लिश करना चाहिए। जैसे कोई भी अगर पार्टी अपने फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स के लिए आती है, किसी चीज के लिए जस्टिस सीक करने के लिए आती है, उसको डेली अप्रोच करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये फार फ्लंग एरियाज में होंगे तो उनको उनके लिए जस्टिस का एक्सेस बढ़ जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आप डिले कर देते जस्टिस, दैट इज इक्वलेंट टू कि आपने जस्टिस उसको दिया ही नहीं है। और इसमें तीसरी बात करते हैं कि जो भी डिस्पोजल ऑफ केसेस हैं उन पर हमें जितना टाइम लगता है उसको कट डाउन करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज है, अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वी हैव टू टेक नोट ऑफ दीज थ्री पॉइंट्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि शुरुआत में कितने थे और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में स्ट्रेंथ की बात करते हैं या कब कब बढ़े थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में, और ओरिजिनल प्रोविजन में आर्टिकल 124A में ये था कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीफ जस्टिस होगा और पार्लियामेंट लॉ बाय लॉ लार्ज नंबर भी प्रिस्क्राइब कर सकती है जजेस का, जो कि 7 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें सब सब कहा गया था कि पार्लियामेंट बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को ऑल्टर कर सकती है, यानी बढ़ा सकती है या घटा सकती है। तो ओरिजिनल प्रोविजन में जैसे नॉट मोर देन 7 था, लेकिन 1956 में इस नंबर को 10 कर दिया गया, यानी 7 से 10 कर दिए गए, और 1916 में इसको बढ़ा के स्ट्रेंथ को 13 कर दिया गया, और 1977 में 17 तक पहुंचाई गई स्ट्रेंथ, 1985 में 25, और करंट पोजीशन यानी कि जो लास्ट 2009 के अमेंडमेंट के बाद हुई है वो है 31 स्ट्रेंथ, दैट इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज का हमारा तीसरा आर्टिकल है द रूट्स ऑफ सेक्सुअल ब्रुटैलिटी, GS2 के इस टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि उन्नाव रेप केस काफी टाइम से न्यूज में है और बहुत ही ग्रूसम वायलेंस का केस है, रेप की है और उनका मर्डर के चार्जेस भी है वहां के विधायक पे, और विक्टिम है इस रेप केस का, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हॉस्पिटल में है। इसमें कंसर्न्स क्या रेज किए जाते हैं, इसमें कुछ कंसर्न्स रेज किए जाते हैं कि इंडिया का क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम है वो इफिशियंट है या नहीं है, उसकी वर्किंग किस तरह की है, वो पब्लिक वेलफेयर पे काम कर पा रहा है कि नहीं, लोगों को जस्टिस डिस्पेंस कर पा रहा है या नहीं। दूसरी बात इसमें कंसर्न रेज किया था कि सिविक इंडिफरेंस का कंसर्न रेज किया जाता है कि पुलिस और जुडिशरी इनएक्टिव है या इंडिफरेंट है, जैसे कि ये दोनों पुलिस और जुडिशरी हैं, दे डू द बेयर मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड,
टू लुक आफ्टर द विक्टिम, टू डिस्पेंस जस्टिस टू द विक्टिम। यानी इस केस में भी यही हुआ था कि पुलिस और जुडिशरी ने इस मामले का संज्ञान तब तक नहीं लिया जब तक जो पीड़ित था, पीड़ित थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के सामने आत्मदाह की धमकी नहीं दी और कोशिश नहीं की। इसमें बात करते हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव लिए या नहीं, कि इसमें राइटर का आर्ग्यूमेंट है, राइटर द्वारा ये बात कही जाती है कि पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स लेने की कई बार कोशिश की गई है और उनका ये उद्देश्य भी था कि इसकी जो जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी वर्किंग को इम्प्रूव किया जाए और अप्रोच है थोड़ा सा उसको ह्यूमनाइज किया जाए, विक्टिम फ्रेंडली बनाया जाए। लेकिन इसमें इश्यू क्या होती है कि लोकल लेवल पे जैसे कि पुलिस थाना है, वो पुलिस एक्शन को डायरेक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उन फैक्टर्स में क्या क्या है कि कोई लोकल पॉलिटिशियंस है, उसकी पावर है वहां पर, उसके साठ गांठ है पुलिस के साथ, वो डॉक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्ट्रेट में कोई ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। दूसरा इसमें ये कहा जाता है कि कई फैक्टर और है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे हैबिचुअल माइस जिन्हीं के केस हैं, जिसमें अत्याचार करना, लोगों को प्रताड़ित करने में एक हैबिट बन चुकी होती है कई लोगों की। कास्ट एंड कम्युनिटी की इक्वेशन है कि ये दलित है और इनका साथ तो कैसे भी ट्रीट किया जा सकता है, ये ट्राइबल है, इनकी कौन सुनेगा, इस तरह की चीजें भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और दूसरा इसमें यह भी कहा जाता है कि जो पावरफुल हैं और पैसे वाले हैं उनके फेवर में पुलिस और जुडिशरी काम करते देखी गई है, ऐसा देखने में आया है कई इंस्टेंसेस में। बिटर रियलिटी क्या है कि जो भी विक्टिम है, जो भी शिकायत करता है करंट सिनेरियो में, या तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और या विश्वास किया भी जाता है तो उसी को दोषी ठहराया जाता है कि कुछ ना कुछ तुमने ही किया हुआ है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो उसको ब्लेम भी किया जाता है, उस पर भरोसा भी नहीं किया जाता। स्पेशली अगर कोई विमन है, वो दलित या आदिवासी या कोई मार्जिनल कम्युनिटी से है, तो उसके साथ ऐसा होने की संभावना और भी ज्यादा हो सकती है। जैसा हमने बात की कि जस्टिस सिस्टम में इनडिफरेंसेस होता, संज्ञान कम ही लेता है इस तरह के केसेस में, तो इस तरह के एक्ट्स हैं या फिर जस्टिस देने में उसे डिले हो रहा है, ऐसी घटनाएं विक्टिम को, प्रताड़ित को डिमोरलाइज करने का काम करती हैं। शी इज लेफ्ट अबंडेंट, उसको लगता है कि उसको छोड़ दिया गया अपने हाल पे, उसके कोई दोस्त नहीं है। इन केस अगर फैमिली भी सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट एनफ नहीं होता। लेकिन ऐसा भी है कि कई कई बार जो सिविल सोसाइटीज हैं, कई बार कैंपेन चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए कैंपेन चलाती हैं अवेयरनेस का, तो उन चीजों से कई बार फर्क पड़ा है। एमएलए की बात करते हैं कि बीएसपी के, यूपी में ही बीएसपी के एमएलए के खिलाफ भी एक वुमन ने रेप केसेस लगाए थे, तो उसको मामले को प्रकाश में लाया गया कि खबर लहरी है वहां का एक रीजनल न्यूज़पेपर है उस तरह का। तो इसमें कहा जाता है कि हमें इस तरह की खबर लहरिया या सिविल सोसाइटीज की जरूरत है, जिससे मार्जिनल कम्युनिटी या दलित आदिवासी लोग हैं उनकी आवाज और मुखर हो सके, उनकी वॉइसेस, उनके इश्यूज हैं वो सरकार तक पहुंचाए जा सके, उन पे एक्शन लिया जा सके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल वैल्यूज को भी डिफाइन करता है जिनको हमें ट्रेसपास नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें एक मॉरल आइडेंटिटी देता है, मोरालिटी जिसे हमें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में भी इंस्पिरेशन देता है। लेकिन जनरली इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा नहीं जाता है, अवेयरनेस कम है या फिर नॉलेज कम होने की वजह से या पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से। तीसरा रीजन यह है कि एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जहाँ पे इवन जो भी वाइफ है, यहाँ पे इनकेस यहाँ पे जो भी बीजेपी विधायक की वाइफ है, वो भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है उनके इमोरल एक्ट में। ये एक कॉमन फिनोमेना है अक्रॉस द स्टेट, सिर्फ यही नहीं इसी केस में, क्योंकि जो माइंडसेट हमारा वो पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक समाज है। आज के चौथे आर्टिकल की बात करते हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, GS2 के। आप इस टॉपिक से इसका पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये कॉर्पोरेट का इनिशिएटिव है, क्योंकि कॉर्पोरेट जो भी प्रॉफिट कमा रहा है वो सोसाइटी से कमा रहा है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करके कमा रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की, समाज के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, जिसको उसे फुलफिल करना होता है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिफर्ड टू ए कॉर्पोरेट इनिशिएटिव to assess, to take responsibility for the company's effect on the environment and society. ठीक है,
तो इंडियन कंपनीज हैं इस इनिशिएटिव के तहत 15,000 करोड़ रुपीस स्पेंड करती हैं इस तरह की एक्टिविटीज में, लेकिन कुछ अमाउंट है इसमें इश्यू है कि कुछ अमाउंट है वो मिसयूज होता है या फिर बिल्कुल भी स्पेंड नहीं होता है, अनयूज्ड पड़ा रहता है। और डोनेशन का मतलब अलग तरह से ले लिया जाता है, जिसको एक्चुअल में सीएसआर एक्टिविटीज में करना चाहिए था उसको किसी दूसरे कामों में लगा दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे कि सीएसआर का जो मैंडेट है, जो उसका एम है, वो भी डिफीट हो रहा है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है कंपनीज एक्ट में, जिसके थ्रू सरकार क्या कर सकती है कि जो भी अनयूज्ड अमाउंट है आपके सीएसआर का, वो आपके किसी दूसरे फंड में गवर्नमेंट ट्रांसफर कर सकती है, या आपको मैंडेट कर सकती है, इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि आप इस अमाउंट को कहाँ यूज करेंगे और कितने टाइम में यूज करेंगे। करेंटली हम कंपनीज एक्ट 2013 में देखें कि लीगल मैंडेट क्या है रिलेटेड टू सीएसआर से, कि कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर से रिलेटेड क्या प्रोविजन है कि जो भी कंपनी जिसका नेट वैल्यूएशन 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा का है, जिनका एवरेज रिवेन्यू पिछले 3 साल में 1000 करोड़ पर ईयर या उससे ज्यादा रहा है, या फिर उनका नेट प्रॉफिट है वो हर साल का एटलीस्ट 5 करोड़ है, उनको रिक्वायरमेंट है कि वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की में जो एक्टिविटी आती है उन पर खर्च करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन सी एक्टिविटी आती है कि आप कोई भी एक्टिविटी ऐसी अंडरटेक कर रहे हो जो हंगर, पॉवर्टी, मॉल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में मदद कर रही है, या एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है, या फिर स्लम एरिया डेवलपमेंट की बात हो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इन सीएसआर एक्टिविटीज हैं। इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है, सोसाइटी का बेनिफिट है, एनवायरमेंट का बेनिफिट है, लेकिन कंपनी का बेनिफिट क्या है, उसकी गुडविल बनती है, एक रेपुटेशन बनती है, एक वो जो कि लॉन्ग टर्म में उसके ब्रांड वैल्यू बनाने के काम में आती है। दूसरा, आजकल कंज्यूमर है बहुत ही सोशली एनवायरमेंटल कॉन्शियस है, तो अगर कंपनी इस तरह के इनिशिएटिव कर रही है, सीएसआर में अच्छा स्पेंड कर रही है, उसको प्रमोट कर रही है, तो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उस कंपनी को प्रोडक्ट खरीदने के बाद के टाइम पे प्रेफरेंस देते हैं, तो सेल्स बढ़ने के भी और रेवेन्यू बढ़ने के भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के। ये एम्प्लॉई जो मोराल है उसको बूस्ट करती है, एम्प्लॉई देखता है कि उसकी कंपनी इथिकल है, गुड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो कंपनी एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फील गुड फैक्टर होता है, एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से अल्टीमेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो कंपनी पे पड़ता है। हम इस अमेंडमेंट के हाईलाइट्स की बात करते हैं, तो विद अमेंडमेंट एनी अनस्पेंट अमाउंट इन अ फाइनेंशियल ईयर हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू ए सीएसआर अकाउंट, के किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर सीएसआर में एक्टिविटी के लिए जो भी आपने अमाउंट स्पेसिफाई किया है वो यूज नहीं हो पाया, तो उसको पहले तो सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है, और उस अकाउंट में जो भी सीएसआर अमाउंट को ट्रांसफर किया गया है आपको उस अकाउंट को यूज करना ही पड़ेगा 3 साल के अंदर, यानी विद इन द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू यूज दैट अमाउंट। उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंड एस्टेब्लिश किया होता है वहां पर सीएसआर अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ में कंपनीज को केंद्र द्वारा, सेंटर के द्वारा डायरेक्ट किया जा सकता है, इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करें, स्पेंड करें, और अगर नहीं करते हैं तो आपको हम पीनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट के प्रोविजंस हैं। इसके फेवर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं कि जो भी इरेगुलरिटी हो रही है सीएसआर की स्पेंडिंग में उनको प्रिवेंट करेगा, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल, उनको जवाबदेहता बढ़ेगी। दूसरा, उन पर कंपल्शन पड़ेगा कि आप अनयूज्ड नहीं छोड़ सकते इस अमाउंट को, आपको सीएसआर अमाउंट को यूज करना ही पड़ेगा, जिससे कि इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वेलफेयर एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, सीएसआर में जो स्पेंड है वो भी बढ़ जाएगा, और इस तरह की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल मैनर में काम होगा। इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, वो ये है कि कंपनी एक एस्टेब्लिश किसके लिए होती है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है, और वो रिस्पॉन्सिबल सबसे पहले क्या होती है, शेयर होल्डर्स के लिए। तो एक प्राइवेट एंटरप्राइज से ये एक्सपेक्ट करना कि सोशल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में उसकी प्रोफिशिएंसी होगी या उसकी जिम्मेदारी है
वो एक सही चीज नहीं है और ये मेनली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होती है। जब सीएसआर लाया गया था, दूसरा ये कि जब सीएसआर लाया गया था एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोविजन था, ऐसा कुछ नहीं था कि सरकार इसको इंस्ट्रक्ट करेगी या मैंडेट करेगी। इसमें सिर्फ ये था कि अपनी स्वेच्छा के हिसाब से आप किसी भी एक्टिविटी में सीएसआर अमाउंट को दे सकते हैं, ये सेल्फ रेगुलेटरी प्रोविजन था। कुछ कंपनीज हैं जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जिससे कि एक कम्युनिटी का वेलफेयर इंश्योर किया जा सके, एनवायरमेंटल इंपैक्ट जिस पर अच्छा हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है, या फिर जो कैसे डिलीवर किया जाना है प्रोजेक्ट बेस्ट वे में, इसको गॉज करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में, इस तरह की चीजें डेवलप करने में टाइम लगता है। और इस तरह के कंपल्शन से ऐसे जेन्युइन प्रोजेक्ट्स, जेन्युइन कंपनीज को काफी हार्म होगा, उन पर सिवियरली इम्पैक्ट होगा। दूसरा है कि ऑलरेडी इंडिया में कॉरपोरेट टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, तो दूसरा आप कंपनीज एक्ट में सीएसआर से रिलेटेड अमेंडमेंट की बात कर रहे हो, तो दोनों हाँ इंडस्ट्री के लिए इनफेवरेबल है, जिससे इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ सकता है। कंक्लूजन में राइटर का कहना है कि जो प्रॉफिट है, कॉरपोरेट जो भी प्रॉफिट बनाता है या फिर कॉरपोरेट पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन पे चैरिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोशल वेलफेयर, यानी कि सोशल वेलफेयर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें कितना स्पेंड करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों चीजों में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने टैक्सेस पे ज्यादा ध्यान दे दिया या फिर उनको कंपलसरी चैरिटी के लिए मजबूर कर दिया, तो इससे क्या होगा, उनके प्रॉफिट सफर करेंगे, तो ये एक बैलेंस, अच्छा बैलेंस नहीं है, जो इकोनॉमी के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। और इसमें राइटर सजेस्ट करते हैं कि जो मैंडेटरी सीएसआर के प्रोविजन है, वी शुड डू अवे विद, उनको हटा लेना चाहिए, मैंडेटरी सीएसआर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वॉलंटरी, और जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको भी लोअर कर देना चाहिए। और कुछ कुछ एक्टिविटीज है हेल्थ या एजुकेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि इन चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट ज्यादा किया जाना चाहिए, तो उन एक्टिविटीज में, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में कॉरपोरेट की, में वहां पे कॉरपोरेट को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को टैक्स डिडक्शन दिया जाना चाहिए, जिससे इस तरह की एक्टिविटी प्रमोट हो सके। देखिए सीएसआर के काफी सारे फायदे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन को एक चांस देती है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, एनवायरनमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, जिससे उसकी ब्रांड वैल्यू भी मजबूत हो सके। और रिसर्च में भी ये साबित हुआ है कि सीएसआर ने कस्टमर के एटीट्यूड होता है जो कंपनी के लिए, वो भी इम्प्रूव होता है, एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ता है और एक कम्युनिटी का वेलफेयर भी एंश्योर होता है। तो गवर्नमेंट को बजाय मैंडेटरी के सीएसआर को प्रमोट करने के कुछ वॉलेंट्री स्टेप्स लाने चाहिए, जिसमें से हमने ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो आज के डिस्कशन में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग डिस्कशन।